नमस्कार। आज हम लोग योग सूत्र के प्रथम यूनिट की ये लास्ट पॉइंट है, चित्त प्रसादन, कॉन्सेप्ट ऑफ चित्त प्रसादन। इसका उल्लेख योग सूत्र के प्रथम पाद के 33 श्लोक में किया गया है। श्लोक है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनादार चित्त प्रसादन। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले चित्त प्रसादन क्या है, और महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन का जो कॉन्सेप्ट दिया उसकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, और योग की दृष्टि से इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन का अर्थ क्या है। चित्त माने चित्त, चित्त के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का जो संयुक्त स्वरूप है उसे ही चित्त कहा गया। और चित्त में ही वृत्तियां रहती हैं। जब तक के चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक इस चित्त के माध्यम से प्रकृत पुरुष को योग नहीं कराता। प्रकृत इसी चित्त के माध्यम से पुरुष को भोग और अपवाद ये दोनों संपादित कराती। उसमें भोग उस अवस्था में संपादित होता है जब चित्त शुद्ध नहीं रहता, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब वो योग की प्राप्ति कराता है। इसलिए योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने चित्त शुद्धि के ही उपाय बताए, ढेर सारे उपाय बताए। और चित्त शुद्धि के माध्यम से जब चित्त इस लेवल का हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए कि वह जैसा विषय हो उसको उसी रूप में ग्रहण करके पुरुष के लिए संपादित करा सके, तो वहीं उसी अवस्था से योग शुरू हो। और उस क्वालिटी का उल्लेख योग सूत्र के 41 सूत्र में किया गया है। इसको मैं बार बार चर्चा करता हूँ। योग सूत्र का 41 प्रथम पाठ का जो 41 श्लोक है, इसमें कहते हैं समापन, उसी क्वालिटी से जाकर के योग की शुरुआत होती है। चित्त की जब तक वो क्वालिटी ना हो तब तक चित्त को शुद्ध करने का काम किया जाता है। उसमें ढेर सारे साधन हैं, उन्हीं में से एक साधन है चित्त प्रसादन। आज चित्त प्रसादन में पतंजलि चित्त को शुद्ध करने का क्या तरीका बताते हैं, तो कहते हैं देखिए इस समाज में सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनसे जब आप इंटरेक्ट करते हैं, उनसे जब आप संबंध स्थापित करते हैं, तो वो संबंध किस तरह का होता है, वो चाहे जैसा संबंध हो लेकिन जो आपका भावनात्मक संबंध होता है, जो इमोशंस का संबंध होता है, उसी को योग की भाषा में कहेंगे तो वृत्तियों का जो संबंध। जैसे आप किसी को देख के प्रसन्न होते हैं, किसी को देख के गुस्से में आ जाते हैं, किसी को देख के आपको ईर्ष्या होती है, किसी को देख के आपको जलन होती है, ये सब क्या है, वृत्तियाज आप चित्त, ये सब चित्त की वृत्तियां हैं। और ये होने होना है, हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये होना ही होना है जब तक कि हम योग की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। तो उसी रिलेशन के जो भाव हैं, जो रिलेशन की वृत्तियां हैं, अगर योग की भाषा में कहें तो वृत्तियां, और हम व्यवहारिक भाषा में कहें तो जो किसी को मिल के, किसी को देख के, किसी को सुन के जो हमारे अंदर भाव संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उनको किस तरह से सेट किया जाए कि हमारा लौकिक कार्य भी चल जाए और हमें हमारे चित्त की शुद्धि भी हो, ये कॉन्सेप्ट हमारे पतंजलि ने चित्त प्रसादन में दिया। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का महत्व जितना योग के दृष्टिकोण से है, जितना पारलौकिक दृष्टिकोण से है, जितना चित्त की शुद्धि या आत्मिक प्रगति के दृष्टिकोण से है, उससे कहीं अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण से। क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और व्यवहारिक उपयोगिता का मतलब इसे डे टू डे लाइफ में हम कर सकते हैं। कैसे करना है, सूत्र में क्या कहा गया है, देखिए मैं सूत्र पढ़ रहा हूँ, 1/33 सूत्र में क्या है, उस सूत्र आप देख लीजिए, बोलकर रखिए सामने। मैत्री सूत्र ही है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा है, मुदिता है, जब मिल जाएगा तो मुदितो हो जाएगा, मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम
भावनातः चित्त प्रसादनम। ये कह रहे हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं उनके अगर हम कैटेगरी करेंगे तो कुछ सुखी होंगे और कोई दुखी होंगे, कोई सुखी होंगे और कोई, जब किसी से मिलते हैं तो दो ही कैटेगरी होती है ना, कोई सुखी होता है कोई दुखी होता है। वो बात अलग है कि जब सुखी दुखी ज्यादा होता है तब हम आसानी से उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जब सुखी दुखी की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है तो कई बार हम तुरंत नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि व्यक्ति सुखी है या दुखी है। ज्यादा सुखी दुखी होता है तो देखते पूछते भाई क्या बात है यार, कुछ नजर आ रहे हो, तो देखते ही पता चल जाता है। लेकिन होता ही नहीं दो में से तीसरा कुछ नहीं होता है, या सुखी होगा और या दुखी होगा, और उसके कार्य कैसे होंगे, या तो वो पुण्य का काम करता होगा या अपुण्य का काम करता होगा। दो ही तरह के कर्म होते हैं, या तो ऐसा कर्म जो पुण्य की कैटेगरी में आता है और या तो ऐसा कर्म अपुण्य की कैटेगरी में आता है। ज्यादातर हम लोगों के क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, कभी पुण्य कभी अपुण्य। और योगियों के कैसे होते हैं, ना पुण्य ना अपुण्य। जब हमारे कर्म इस कैटेगरी के आ जाए, ये जो जिनका मतलब ना कोई पुण्य हो और ना पाप हो, तब वो कैटेगरी होगी योग की कैटेगरी। किसी योगी के कर्म ना होते हैं पुण्य ना होते हैं अपुण्य, क्योंकि उन कर्मों का कोई फल नहीं होता है, फल विहीन कर्म होते हैं। लेकिन जो पुण्य कर्म होते हैं उनका फल होता है, अपुण्य कर्म होते हैं उनका भी फल होता है। पुण्य कर्म का फल क्या है, सुख, और अपुण्य कर्म का क्या फल है, दुख। तो दो ही तरह के कर्ता होंगे और दो ही तरह के उनके परिणाम होंगे, फल होंगे। तो जब हम किसी को मिलेंगे तो इन्हीं चार कैटेगरी में होगा, या तो सुखी होगा या तो दुखी होगा, या तो पुण्यात्मा होगा या पाप आत्मा होगा। तो ऐसे लोगों के साथ हम व्यवहार कैसा करें, तो मैत्री, जो व्यक्ति हमें सुखी दिखाई पड़े उसके साथ कैसा भाव करें, मित्रता वाला भाव, ठीक है ना, ये हमारा फ्रेंड है। बड़ा कठिन होता है ना, क्योंकि मित्रता अपनी जगह, मित्रता के दुख, मित्र के दुख में हम दुखी तो हो सकते हैं, वो सरल है, लेकिन उसके सुख में सुखी होना कठिन काम है। पिक्चर देखी हो थ्री इडियट वाली, दोस्त फेल हो जाता है तो कष्ट होता है, लेकिन अगर वो अपने से आगे निकल जाए तो ज्यादा कष्ट होता है। तो ये पतंजलि जी ने यहीं से साधना शुरू करा दी, यहीं से प्रश्न साफ करी कि जो सुखी व्यक्ति आपको दिखे वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आप कोई से ना शुरू करो तो सबसे पहले अगर आपका भाई भी है या आपकी बहन भी है और बाई चांस वो आपसे ज्यादा खुशी है आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर कुछ कुछ होता है, वो ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो ये होना चाहिए कि हमारा उससे मैत्री भाव और बढ़ जाना चाहिए, इसको सुखी व्यक्ति को देखें। तो शुरुआत किससे करनी है, अपने क्लोज व्यक्ति से करें, भाई जिससे आपका संपर्क है ना, टाटा बिरला बहुत सुखी है, ना कभी हम उनसे मिल सकते हैं ना कभी हम उनसे वो हमसे मिल सकते हैं, तो व्हाट्स अ मीन ऑफ दैट, कोई मतलब नहीं, उनके सुखी दुखी से हमें बहुत ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारे जितने क्लोज हैं, भाई हमारी पत्नी ज्यादा प्रसन्न है तो मुझे सीधे प्रभावित करेगी, हमारे भाई हमारे बहन, फिर हमारे इष्ट मित्र, फिर उसके बाद हमारे सीनियर जूनियर, वैसे तो हमारा समुदाय बढ़ेगा ना। जिससे जितना कम हमारा संवाद होता है, इंटरेक्शन होते हैं, उतना ज्यादा हम कम प्रभावित होंगे, जिससे जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा प्रभावित होंगे। तो जो भी हमारे सराउंडिंग में है, जिनसे भी हमारा संवाद होता है, जब वो खुशी हो, जब वो खुश हो, तो हमें उनके साथ मैत्री भाव का स्मरण करना चाहिए, उनके प्रति जो हमारे अंदर से भावनाएं हो, इमोशंस हो, कैसे हो, मित्रवत, और प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे होने लगेंगे, यही से चित्त की शुद्धि शुरू हो जाएगी। और ये ऐसी चीज है जो आप करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो होगा, करोगे तो जो चाहोगे उधर होगा और नहीं करोगे तो अपने आप जो होना है वो होगा, बस इतने अंतर, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम समाज में ना रहें, समाज में रहेंगे तो हमारे भाई भी हैं, बहन भी हैं, इष्ट भी हैं, मित्र भी हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब हैं, और वो कभी सुखी होंगे कभी दुखी होंगे, कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे कभी खराब करेंगे। तो सुखी व्यक्तियों के साथ हमें कैसा भाव करना चाहिए, मैत्री। फिर जो दुखी है उनके साथ कैसा करना चाहिए,
करुणा, इट इज वेरी इजी फॉर अदर्स, सबसे सरल यही है। और ये मानवीय गुण, आप देखिए किसी भी व्यक्ति को हम दुखी देखते हैं तो हमारे अंदर करुणा स्वतः प्रस्फुटित होने लगती है, ये नहीं होता है लेकिन ये होता है। इवन कई बार जो हमारा शत्रु है जिसको हम नहीं पसंद करते हैं उस पर भी मुसीबत होती है तो मुझे उसके प्रति भी दया का भाव जागृत होता है, उसके प्रति भी संवेदनाएं जागृत होती है। और तो और दूसरे जो जीव हैं, पशु पक्षी, इवन दूसरे कंट्री के जीव मुझे नहीं मालूम है लेकिन जब हम उनके बारे में सुनते हैं कि जैसे कि टर्की में हुआ, तो ढेर सारे लोग जो मानवीय संवेदनाएं इसके अंदर थोड़ी भी है वो घटना सुन करके क्या होता है, दुखी होता है। तो जितने भी दुखी व्यक्ति हों उनके प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, इससे क्या होता है, चित्त शुद्ध होता है। तो होता है शुद्ध नहीं होता है, आप सोचिए आपसे किसी की दुश्मनी चल रही है, अचानक सूचना मिले कि उसको कोई क्षति हो गई, उसका बेटा निपट गया, तो आप क्या उसके प्रति जो शत्रुता का भाव है कम होता नहीं होता है, सवाल कम होता है। बहुत दुष्टी व्यक्ति होंगे जो बहुत जो उसके बाद भी खुश होते हैं, वो समझ लीजिए दुष्ट, वो उनकी दुष्टता की कैटेगरी थोड़ा ऊपर वाली होती है। सामान्यता क्या होता है, सामान्यता दुष्टता कम होती है, उसके प्रति जो आपका द्वेष है ना उसका रेशियो कम होता है। तो दुखी व्यक्ति के साथ कैसा भाव करना चाहिए, करुणा भाव, दया का भाव, कोई भी। और जो पुण्य आत्मा है, जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, उनको देख के क्या करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ये स्वभावता होता है। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको देख के क्या करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, मुदिता का अर्थ होता है प्रसन्न या प्रसन्न आंतरिक प्रसन्नता, मुदिता मतलब अंदर से प्रसन्न होना, अंदर से प्रस्फुटित होना। और अपुण्य आत्मा के प्रति कैसा भाव करना चाहिए, उपेक्षा, ये भी हम समानता नहीं कर पाते, इग्नोर नहीं कर पाते, हम उसमें उलझते हैं। और आप सोचिए ऐसे लोग की ही सक्सेस होने की संभावना कम हो जाती है। आप तो मान लीजिए कोई भी टारगेट, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ने आए हो, आपका टारगेट क्या है कि हम अच्छे से यहाँ नॉलेज लेके जाएं, डिग्री तो मिलेगी ही, लेकिन नॉलेज सबको नहीं मिलेगा, नॉलेज मिलने के लिए आपको इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आपका टारगेट है कि हम यहाँ से ज़्यादा नॉलेज लेके जाएं, तो आपका जो टारगेट है उसी पे फोकस रखना है। अब आपके साथ मान लीजिए आपका बैच है पूरा 28-30 लोगों का, तो आपके साथ 28-30 तरह का व्यवहार लोग करेंगे, क्योंकि वो सब अलग अलग परिस्थिति से आए हैं, उनका अलग अलग बैकग्राउंड है, अब तक के लगभग मोटा मोटा 25-30 साल की आयु, 20 साल 22 साल 25 साल ऐसे आप लोगों की मिनिमम एज है, तो पीछे का जो आपने लाइफ जिया है, जो जिंदगी जी है, जिस तरह की जिंदगी जी है, उस तरह का आप थॉट्स लेके आए हैं ना, उस तरह की विचारधारा लेके आए हैं, वहां दो दिन में तो नहीं बदल जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि जो हमारे अनुकूल है तब तो ठीक है, जो हमारे प्रतिकूल है उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, उपेक्षा का भाव करेंगे, तो क्या होगा, आप जो मेन गोल है जिसके लिए आप इतना पैसा और इतना महत्वपूर्ण समय खर्च करके यहाँ आए हो, उसमें ज्यादा सक्सेस होंगे। जितना ज्यादा ये आप मान लीजिए यहाँ पर हो और आपके तरह से ये 27-28 तरह के लोग अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, वो भले अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो, जो भी है, जितना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं तब भी बुरा कर रहे हैं, दोनों में जितना ज्यादा इनसे आप उलझते जाओगे उतना ज्यादा आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से भटकते जाओगे, नहीं जाओगे, बोलिए। तो अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको इग्नोर करना पड़ेगा, खासकर उनको जो आपको लक्ष्य से भटकाना चाहे। एक ही है उपेक्षा का भाव, जब आप उपेक्षा का भाव करोगे तो कुछ दिन के बाद वो खुद ही आपको ये सब जो इधर को थे वो भी ये इधर को हो जाएंगे, उनका डायरेक्शन आपसे दूर भागने लगेगा। लेकिन जब आप उनको इंट्रैक्ट करोगे तो उधर से फिर डबल होगा, फिर इधर से चौबल होगा, फिर उधर से छेबल होगा, और फिर आप कुछ करने आए थे कुछ और करने लगे भी कुछ और। तो महर्षि पतंजलि का जो चित्त शुद्धि का कांसेप्ट है वो ये है, और इस
पे मेरा पेपर है, इसको देखना होगा, देख लेना चित्र प्रसादन एवं इसकी व्यवहारिक प्रासंगिकता। एक दो बार मैंने ग्रुप में डाला, उसमें मेरा अपना मानना है कि ये जो है इसमें कहीं से भी शुरू करो, अगर एक डेवलप होगा तो अन्य अपने आप डेवलप होंगे। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यहाँ पे अगर व्यक्ति काम करे तो ये आसानी से कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो जब दुखी हो तब उसके उसके दुख को शेयर करने के लिए आप पहुंच जाए, और जितना आपसे बन सकता है उतना उसके दुख उसको दुख से दूर करने में अपना एफर्ट करिए, नहीं कुछ तो उसमें शामिल हो जाए। भले किसी के सुख में आप शामिल नहीं हो सकते, दुख में अगर आप शामिल होते रहोगे तो आपका चित्त भी शुद्ध होता रहेगा और आपका व्यवहारिक और पारलोक लौकिक और पारलोक व्यवहारिक जीवन और इस जीवन के बाद जो है वो दोनों सही होता जाएगा। और चित्त शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है किसी के दुख में शामिल होना, किसी के दुख में दुखी होना। मेरी PhD भी इसी टॉपिक पे है और जिसका कंक्लूजन मैंने लिखा है जो लास्ट में, वो ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो उसका स्वयं का दुख, कोई भी दुख हो सकता, मान लीजिए मेरा धन का नुकसान हो गया या मेरा कोई और पारिवारिक दुख हो गया, कोई सामाजिक दुख हो गया, कुछ भी दुख हुआ मुझे, तो उसमें जब हम दुखी होते हैं और जब मान लीजिए कोई मेरा इष्ट मित्र है उसको कोई भी आपत्ति है उसके दुख में जब हम दुखी होते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क, दोनों में हार्मोनल सिक्रेशन भी अलग अलग होता है। दुखी हम दोनों में होते हैं, जबकि आप किसी के यहाँ भी मान लीजिए किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई और आप जाते हैं तो उस समय आप दुखी होते हैं, लेकिन उस समय जो आपके अंदर इमोशंस होंगे या मना हंसू निकल सकते हैं, आपके बॉडी में ढेर सारे हार्मोन सिक्रेट होंगे, वो दूसरी तरह के होंगे। और जब वही सेम मुसीबत आपके ऊपर हो तब भी आप दुखी हैं, लेकिन उस समय दूसरी तरह के, उस समय कुछ भी घटना भी हो सकती है। कई बार लोग तो देखिए बेहोश हो जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है सडनली, कोई बहुत ऐसी घटना सुन ली हो, लेकिन जब आप उसी तरह की घटना में किसी की घटना में शामिल होते हो, आपका इष्ट मित्र है, वो हरदम ऐसे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जो आपको इंटरनली क्लीन करते हैं, रिलैक्स करते हैं, चाहे डोपामाइन हो चाहे सेरोटोनिन हो, तो उसमें क्या होता है वो हार्मोन्स दूसरी तरह के होते हैं। इसीलिए किसी के दुख में शामिल होने से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता। सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में इस बात को महत्व भी दिया जाता है कि किसी के मिट्टी में शामिल होना सबसे बड़ा पुण्य करना, उसके पीछे यही साइंस है और चित्त शुद्धि का सबसे सरल उपाय भी है हमारे करने के। तो ये आपका कांसेप्ट आप चित्त प्रसादन रहा जो हमारे डे टू डे लाइफ से भी प्रभावित है। हम इस सिद्धांत को अपना करके अपना व्यवहारिक जीवन सामाजिक जीवन भी सुदृढ़ कर सकते हैं और पारलौकिक दृष्टिकोण से या योग के दृष्टिकोण से भी चित्त शुद्धि का एक समृद्ध साधन है जिसका उल्लेख महर्षि पतंजलि ने पहले बार में किया। इसे कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन धन्यवाद।